बिलासपुर सदस्य भाजपा प्रत्याशी सुभाष ठाकुर ने एसडीएम कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर हरीश के समक्ष नामांकन दर्ज किया। सुभाष ठाकुर ने हजारों लोगों की उपस्थिति में अपना नामांकन दर्ज कराया। इससे पूर्व सुभाष ठाकुर ने रैली निकाली और ढोल नगाड़ों की धूम से जनसभा तक शिरकत की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस राज को कुशासन के रूप में जानकर हिमाचल को कांग्रेस मुक्त करने का मन बना चुकी है। 5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, अत्याचार, नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले काले अध्याय के रूप में जानेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। शिमला जिला के कोटखाई में गुड़ियाकांड, मंडी जिला में फॉरेस्ट गार्ड हत्याकांड जैसे अनेक घृणित कार्य हुए हैं, जिनमें पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते किसी भी गुनहगार को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाई। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री के बयान भी दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहे हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि रेप तो होते रहते हैं, मर्डर भी होते रहते हैं। इस मौके पर भाजपा उम्मीदवार सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव एक बड़ा मुद्दा है और इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है, तथा उनके पक्ष में वोट डालने वालों से उन्होंने आह्वान किया कि वे भाजपा को जिताएं। हमारे बिलासपुर की जो प्राथमिकता है, एक तो स्वास्थ्य सेवाओं का बेहाल है, हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति है। जो बिलासपुर की जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, उसको ठीक करेंगे एक बड़ी चुनौती है। इसे पार पाएंगे लोगों के सहयोग से और लोगों के आशीर्वाद से।